हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अपने घर पर ठीक से होंगे। तो जैसे क्या वेदर देख रहे हो, बहुत कड़कती गर्मी हो गई है, लेकिन मैंने फिर भी जैकेट पहना हुआ है, स्वेटर पहना हुआ है, ये पता नहीं चलता है यहाँ पे वेदर का ना। और बेविन भी और परी वो जा रही है, और शाम के अभी 6:30 हो रहे हैं, और गर्मी देखो कितनी ज़्यादा है। आज ना मैं अपने बालों का कुछ करवा रही हूँ, तो आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि आप क्या करवाऊंगी मैं, ठीक है? तो अभी चलिए करवा लेते हैं फटाफट से हेयर का कुछ न्यू स्टाइल। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लग रहा है, और इस हेयर स्टाइल को क्या बोलते हैं। दोस्तों प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। और आर यू फ्रॉम साउथ अफ्रीका? ना फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, शी इज़, ये साउथ अफ्रीका से है मेरी फ्रेंड, और इनके बच्चे और हमारे बच्चे एक साथ खेलते हैं, प्ले करते हैं। हु मी? हाँ, या यू? आई एम प्योरी फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। हाँ, साउथ अफ्रीका, तो ये साउथ अफ्रीका से है। तो दोस्तों मैंने ना इनके जैसे बच्चों ने कर रखी है ना ब्रेड्स। कहाँ गए आपकी डॉटर्स? वेयर आर यू डॉटर्स? आर्याम, शो योर हेयर, कम सी इसके हेड। देखो इसके जैसे इनका ये कर रखा है ना, ऐसे करवाऊंगी मैं कुछ स्टाइल। तो दोस्तों धूप देखो कैसे, कितनी गंदी वाली धूप निकली हुई है। टैनिंग पक्का होने वाली है, टैनिंग तो आगे ही हो रखी थी तो। और मैं बहुत गोरी हूँ। हाँ, आप तो बहुत गोरे हो सही में। तो देखो ये प्रोसीजर मेरा स्टार्ट हो चुका है, देखो कैसे कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो और इट्स नॉट पेनिंग, नो। देखो जैसे इन्होंने कर रखे है ना, ये साउथ अफ्रीका का हेयर स्टाइल किया है आज। पता नहीं कैसे लगेंगे, लेकिन ये स्टाइल मुझे ना बड़ा अच्छा लगा बालों का। ताकि मैं ना अपने बालों को कुछ आती थी कि कर्ल्स हो रहे हैं मेरे बाल, क्योंकि रोज़ रोज़ कौन कर्ल्स करे, रोज़ रोज़ कौन कॉम करे, तो इसका ये भी है। तो कर्ल तो नहीं होंगे, बट कर्ल जैसे मैं रिमूव करूँगी तो उसके बाद ये कर्ल्स हो जाते हैं। तो बस दोस्तों वहाँ फैन चला हुआ है उनके घर पे। चला गया ये पीहू के पास, जो मेरी मतलब परी के फ्रेंड्स हैं जिनके साथ खेलती रहती है, तो उनके साथ चला गया बेविन, क्योंकि मुझे ये करवाने थे। मैं आपको नहीं बताऊंगी इसको क्या बोलते हैं। तो परी और ये सब बच्चे वहाँ खेलेंगे। ऑलमोस्ट एक साइड से ये तीन ये ब्रेड्स हो गई हैं। तो इसका फ़ायदा पता है क्या है? ये जो साउथ अफ्रीकन जो है ना, ये जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, ये क्या करते हैं कि 2-2 वीक्स के लिए ऐसे करके छोड़ देते हैं, जैसे इन छोटे बच्चों के कर रखे हैं, जैसे आप ये देख ही रहे हो बच्चों के कर रखे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे बच्चे को रोज़ डेली कौन करे कॉम है ना, तो वो एक बार में ये छोटी छोटी ब्रेड्स कर देती हैं, जो भी इसको बोलते हैं। तो डेली कॉम नहीं करना पड़ता इसका, ऐसे छोड़ दो 2 वीक्स के बाद, फिर जब खोलते हैं तो फिर वो कर्ल्स हो जाते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और देखिए आगे से ज़्यादा मेरे ये छुट्टियाँ हो गई हैं। See her look? Here you go. तो ये देखिए आधे ज़्यादा बन गया है, और बेविन भी आ गया है खेल कूद के। थोड़ा पीछे से दिखाना प्लीज़ कैसे बन रही हैं। तो देखिए कितने अच्छे से लग रही हैं, और मैं साउथ इंडियन लग रही हूँ शायद। नहीं आप साउथ इंडियन ही, साउथ अफ्रीका, सॉरी। वाओ, सो ईस्ट अफ्रीका। डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? नो। दीज आर हिज बेविन, दिस इज बेविन। कैन आई सी इट? बेविन शी इज द वन हु इज डूइंग हर हेयर स्टाइल। क्या हो रहा है? बेविन वाज लाइक, ओह व्हाट हैपेंड? आपकी मम्मा है ना, देखो क्या है, व्हाट इज दैट? कॉर्च? हाँ, अभी गाय ले। तो पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, बट ये ना खुल रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट थे ना मेरे बाल।
तो ये अपने आप ही ना ऑटोमेटिकली ओपन हो रहे हैं। ये देखो जैसे इनके नहीं हो रहे, कहाँ गए वो उनके, नहीं आपके नहीं यार इनके, इनके भी नहीं ओपन हुए बट मेरे ओपन हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये खुल जाएंगे। रबड़ है तो ले आ यार कहीं से, फटे फटे ले, फटाई। यू हैव रबर बैंड, स्मॉल स्मॉल रबर बैंड डू यू हैव टू पुट ऑन दीस थिंग्स हियर बिकॉज़ इट विल ओपन। अरे आंटी नहीं, खुल जाएंगे ये, फटे फटे आंटी, वेट करो आंटी, फटे लगे आ जाओ। दोस्तों बन गए हैं ये, अच्छा ओके ओके बन गए हैं ये ब्रेड्स, इसको बोलते हैं ब्रेड कॉर्न बॉल्स, कॉर्न बॉल्स, कॉर्न बॉल्स कुछ इस तरह नाम, इस तरह का नाम है इनको बोलते हैं। तो मैंने ये किया है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ करेक्ट करें। और मैं क्या मतलब क्या बोलते हैं इसको, ड्रेड लॉक्स बोलते हैं या फिर कॉर्न बॉल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्न रोज हैं या कॉर्न बॉल्स हैं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, इनको भी नहीं पता एक्चुअली, तो इसीलिए तो जस्ट ऐसे बोल देंगे, वैसे इनको कर देते हैं। देखो बेबी बेटा कम 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 हियर, इधर कम हियर, सी इधर आ, क्यों कम कम अप, इनके देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ये तो ऐसे करना चाह रही थी मैं, इनके तो ब्यूटीफुल हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना देखो, हाय तो ये देखो ब्यूटीफुल, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना। तो इस तरह से मेरे बन नहीं रहे इस तरह से ना, क्योंकि मेरे मेरे वो हैं स्ट्रेट हैं, तो इनको तो रबड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है और मुझे रबड़ लगाने की ज़रूरत है, तो वो आगे पिनअप कर रहे हैं, तो लेट्स सी। तो चलिए दोस्तों अभी तो बन गया है, अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखो छोटी छोटी चूटी ऐसी बन गई है मिली मिला रबड़ सूट दी शिफू इधर आओ। तो दोस्तों आप मुझे बताना कैसे लग रही है, वैसे मैं कल ओपन कर दूंगी, क्योंकि वो वैसे तो अपने आप ही हो जाएंगी, क्योंकि ये ना मेरे सिल्की हेयर है, मेरे स्ट्रेट कर रखे हैं तो उसमें बैठ नहीं रहे, और मेरे पास रबड़ नहीं है, वो छोटे छोटे रबड़ लगा लेती। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अरे यार तुम ऐसे नहीं।